हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने कॉर्न कचौरी बनाई है, तो चलो देखते हैं मैंने कैसे बनाई। परफेक्ट मेजरमेंट आपको बताती हूँ। मैंने मैदा लिया है 3 बाउल भर के। ये हमारा जो घर का नॉर्मल बाउल है वैसा ही है। अब इसे हम छन्नी से छान लेते हैं पहले, और इसमें 1/2 स्पून नमक डाल दिया मैंने। अब मैदा छानने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून अजवाइन। अच्छे से मैंने मसल के इसमें डाल दी है। और आज मैंने लिया है बटर। आप घी या तेल भी ले सकते हो। तो मैंने 3 कप के हिसाब से एक कटोरी के 75% इतना बटर लिया है। और ये अच्छे से मिक्स करने के बाद, ऐसे अगर मुट्ठी बंद हो जाता है तो समझ लो हमारा मोयन परफेक्ट हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने अच्छे से आटा गूंद लिया और इसे टॉवल से ढक लिया है। अब मैंने कॉर्न लिए हैं 2 कटोरी भर के। अब ये एक्चुअली स्वीट कॉर्न है, इसलिए पेस्ट हो गई है इसकी, पर फिर भी आधा दरदरा सा मैंने रखा हुआ है। पूरा पेस्ट नहीं बनानी है। 2 स्पून बेसन हम पहले इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तेल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, उसके अच्छे अरोमा आने तक हम इसे फ्राई करते हैं और साइड में निकाल देते हैं। अब तेल में ज़ीरा, 1/2 स्पून सौंफ और थोड़ा सा मैं अदरक जो है वो कद्दूकस कर लेती हूँ, इसमें ही डायरेक्ट डाल रही हूँ। अब ये होने के बाद 1 स्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 स्पून गरम मसाला और 1 स्पून धनिया, हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। अब इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं थी इसलिए फिर मैंने 1 नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया। मैं दिखाती हूँ आपको। मसाले अच्छे से हो गए हैं तेल में। अब इसमें हम ये कॉर्न का जो हमने पेस्ट बनाई है ये मैं अभी डाल देती हूँ, और 1 नींबू निचोड़ दिया। अब इसे अच्छे से हमने पकाना है। 1 स्पून नमक डाल दिया। अब इसे बिल्कुल इसका मॉइस्चर निकलने तक हम इसे पकाते हैं, ड्राई हो जाना चाहिए। अब मैंने बेसन डाल दिया जो हमने फ्राई किया था। देखो अभी बिल्कुल इसमें पानी नहीं बचा है, तो अभी मैं इसे ठंडा करने के लिए प्लेट में निकालती हूँ। तेल गरम होते ही मैंने 4-5 मिर्चियाँ फ्राई करके उसमें नमक डाल के साइड में रख दी है। अब हम ये जो सारन बनाया है ये ठंडा हो गया, तब अब इसकी कचौड़ी बनाते हैं। 2 टाइप्स के दिखाती हूँ, एक बेल के और एक हाथ से ही हम बनाते हैं। अब हम पहले बेल के बनाते हैं। तो मैंने एक पेड़ा ले लिया, इस पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दिया और थोड़ा सा हम इसे इसकी रोटी बनाते हैं और इसमें हमारा स्टफिंग भरते हैं। स्टफिंग भरते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान हमें देना है। जैसे हमने अभी ये स्टफिंग थोड़ा सा गोल करके हाथ में ले लिया है, और इसकी अच्छे से कलिया ऐसे जोड़ के पूरा प्रॉपर इसे अच्छे से चिपकाना है, और वही मैंने गोल उसके घुमा के बंद कर दिया। अब बिल्कुल थोड़ा सा मैदा लगाना है, क्योंकि ज़्यादा मैदा लगाओगे तो वो कढ़ाई में पूरा तेल काला हो जाएगा, ठीक है। और हल्के हाथों से हमें इसकी रोटी जैसा बेलना है। अब क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं दिखाती हूँ। पीछे से तो अच्छे से हो गई, अब आगे से देखो थोड़ा सा एक होल हो गया है। अब ये ऐसे खुल जाएगा अगर हम तेल में डालेंगे तो। इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी लगाते हैं और उस पर मैदा स्प्रिंकल करते हैं। अब फिर से थोड़ा सा पानी लगाते हैं और फिर से थोड़ा सा मैदा इस पर, तो इससे वो जो होल हो गया था वो चिपक जाएगा। अब इसे कढ़ाई में डालने के लिए रेडी हो गई है। अब मैं ये आपको एक हाथ से भी दिखाती हूँ बिना बेले कैसे बनाते हैं। अब एक अंगूठा इसके अंदर रखना है और एक अंगूठे से ऊपर वाला जो साइड का जो है कॉर्नर वो इसे धीरे धीरे दबाना है। काफ़ी अच्छे से इसका होल हो गया है, तो हम इसमें अभी स्टफिंग भरते हैं। ऐसे कटोरी जैसा हमें इसे बनाना है, और मैं तो भरपूर स्टफिंग भरती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा जो हलवाई जैसे मिलता है इतना सा नहीं भरती हूँ। इसे भी मैंने अच्छे से मोदक जैसा शेप देके उसे वैसे ही धीरे से फोल्ड कर दिया, और बिल्कुल हल्के हाथ से इसे हमें दबाना है। तो देखो छोटी सी गोल वाली
कचौड़ी बन गई है। फिर से ये दोनों टाइप्स मैं आपको दिखाती हूँ, आप अच्छे से देख लो। तो चलो, तेल तो गरम था ही, अब इसमें मैंने कचौड़ी डाल के फ्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल पहले तेल गरम करना है और फिर मीडियम आंच पे ही हमें अच्छे से इसे फ्राई करना है। अगर आप फुल फ्लेम पे करोगे तो दो चीज़ें होगी, एक तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और दूसरा ऊपर से जल जाएगी पूरी, इसलिए मीडियम आंच पे ही हमें पकानी है। बिल्कुल अगर तेल ठंडा हो जाता है तो फिर से फुल फ्लेम करके फिर मीडियम पे ही हमें फ्राई करनी है। तो देखो कितने अच्छे से फूल गई है, और ये जो हमने उस पर बाइंडिंग चिपकाया था ये वाली कचौरी है, देखो बिल्कुल ऑयल अंदर नहीं गया है और खस्ता भी हो गई है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अगर हमारा मोयन ज़्यादा हो गया तो उससे एक तो ऑयली हो जाती है बहुत चिपचिपी, या फिर अगर कम मोयन जाता है तो उससे ढीली पड़ जाती है, तो इसलिए परफेक्ट मेजरमेंट अगर हो तो ही अच्छे से कचौरी बनती है। तो आपको मैंने दिखा दी फोड़ के कि कैसे हुई है, आप भी ये ज़रूर ट्राई करना। अभी आज जो मैंने ये कॉर्न की बनाई, अभी आप मुझे बताना कि आप कौन सी वाली कचौरी बनाते हो। तब तक के लिए बाय।